वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका सीतापुर जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप देख सकते हैं जो आपको ट्रेन यहां पर दिखाई दे रही है खड़े हुए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, ये सीतापुर जंक्शन से चलकर बालामऊ जंक्शन जाती है। स्पेशल ट्रेन्स के रूप में आजकल यात्री गाड़ियां चल रही हैं। 8 डिब्बे की ये ट्रेन है और ये ट्रेन जब सुबह बालामऊ से सीतापुर जंक्शन पहुंचती है तो दिन भर यहाँ पर खड़ी रहती है। तो स्थानीय लोगों की भी मांग है और सीतापुर लखनऊ रेलखंड के लोगों की ये मांग है, यात्रियों की, कि इस ट्रेन को लखनऊ जंक्शन तक या ऐशबाग तक कम से कम विस्तार दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ से सुबह एक और ट्रेन ऐशबाग की दिशा में लखनऊ के लिए मिल सके और इसमें जो कोच की संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है, 12 या 13 कोच इसमें आप कर दीजिए और यहाँ से ये एक वैकल्पिक ट्रेन और हो जाएगी। और साथ ही साथ, जैसा आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी नैमिषारण्य तीर्थ को लेकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं उसको विकसित किया जाए, क्योंकि वो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। नैमिषारण्य और मिश्रिक तीर्थ दोनों ही जगह, दोनों ही स्टेशंस को डेवलप किया जाए। दोनों ही स्टेशंस उत्तर रेलवे में आते हैं, जो बालामऊ सीतापुर रूट है। इधर हमारी मैलानी जाने वाली सीतापुर मैलानी स्पेशल खड़ी है। इस ट्रेन को भी मैलानी सीतापुर की जगह अगर ऐशबाग तक चला दें तो अधिक बेहतर होता, लेकिन हो नहीं पाया। लखनऊ जंक्शन पर शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ट्रेन्स का टाइम टेबल के चलते। तो ऐशबाग में अब एक नंबर प्लेटफॉर्म आपका चालू हो गया है सेकेंड एंट्री की तरफ, तो वहाँ से आप ट्रेन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ओरिजिनेट कर सकते हैं। पानी भरने की व्यवस्था भी वहाँ पर हो गई है, हाइड्रेंट पाइप्स लग गए हैं, तो ऐशबाग से ट्रेन्स चल सकती हैं। तो फिलहाल ये ट्रेन आप देख रहे हैं सामने खड़ी हुई है। अंदर का डिब्बा आप देख लीजिए, इसमें 8 डिब्बे की ट्रेन है। सब अभी अंधेरा पड़ा है, यात्री हैं नहीं, तो इससे बेहतर यही है कि जो बालामऊ से सीतापुर जंक्शन तक ये ट्रेन आती है और सिटी जंक्शन पर काफ़ी देर खड़ी रहती है, इसको लखनऊ तक अगर चलाया जाए तो अधिक फ़ायदेमंद होगा। दिन भर यहाँ खड़ी रहती है ट्रेन, इससे बेहतर है, रेक आपके पास है, लोको आपके पास है, तो इस ट्रेन को आप लखनऊ जंक्शन तक चला सकते हैं। सभी डिब्बों में एक सा ही हाल है, यात्री ना के बराबर है, खाली ट्रेन दौड़ रही है। दूसरे डिब्बे में चढ़ते हैं, देखिए इसका हाल आपको दिखाते हैं। आप देख लीजिए, चलने का समय हो गया है सीतापुर जंक्शन से बालामऊ। एक तो इसका समय ऐसा है जो मिश्रिक नैमिष की तरफ जो लोग जाते हैं या बालामऊ, उनको सूट ही नहीं करता है, तो बहुत कम सवारियां इसमें होती हैं। ट्रेन में इक्का दुक्का यात्री आपको दिखेंगे बस। तो ये जो ट्रेन है बालामऊ सीतापुर बालामऊ, इसमें यात्रियों की संख्या, ऑक्यूपेंसी बहुत कम रहती है। इक्का दुक्का पैसेंजर हर कोच में दिख रहे हैं, नहीं के बराबर। तो इससे बेहतर है कि इस ट्रेन को बालामऊ सीतापुर के स्थान पर लखनऊ जंक्शन तक चलाया जाए, और लखनऊ जंक्शन पर अगर ट्रेन को लेने में कोई आपत्ति है, दिक्कत है, समस्या है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है टाइम के चलते, क्योंकि वहाँ पर भी शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है, दिन में और ट्रेन्स होती हैं, तो आप इसको ऐशबाग तक चला सकते हैं। तो ये एक सुझाव है, उम्मीद है कि रेल अधिकारी इस पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ सीतापुर मैलानी के मध्य जो ट्रेन चलती है, मैलानी सीतापुर के बीच में, ये भी ऐशबाग तक चलाई जाए तो एक बेहतर विकल्प होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। अमृत भारत योजना में बस पैसा लगता जा रहा है स्टेशंस के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन ट्रेन्स भी तो होनी चाहिए। यात्रियों को तो ट्रेन से मतलब है, आवागमन तो ट्रेन से होता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे भी इधर जो है काफ़ी सारे आवारा पशु घूमते रहते हैं, तो काफ़ी गोबर वगैरह पड़ा है, गंदगी बहुत है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अभी यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग भी नहीं हो पाई है, वो भी कार्य सब लटके हुए हैं। फिलहाल एक डिपार्चर का व्यू आप देखिए इस ट्रेन का, क्योंकि उत्तर रेलवे ने एक दर्जन ट्रेन्स में वापस से डीजल लोकोमोटिव लगा दिए हैं इलेक्ट्रिक लोको के स्थान पर, तो ये भी आपको झलक दिखानी ज़रूरी थी। तो NER भी इससे कुछ सबक ले सकता है। मैलानी से आगे शागर तक अभी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, NOC पता नहीं कब मिलेगी, तो कम से कम शागर तक इज़्ज़त नगर मंडल वाले
डीजल से ट्रेन संचालन कर सकते हैं, दो एक ट्रेन तो कम से कम चलाई जा सकती हैं पूरनपुर सागर तक, ताकि जो उस पैकेज के लोग हैं पैकेज तीन के, उनको कुछ राहत मिले, उनका सफ़र आसान हो, इस पर कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि आम जनता के लिए मैं देख रहा हूं कि रेलवे में अब कोई सोच नहीं रह गई है, सारा फोकस बस वंदे भारत पे है या अमृत भारत योजना में जो स्टेशन्स हैं उनको चमकाया जाए, रीडेवलपमेंट किया जाए। और कई स्टेशन्स ऐसे हैं, अभी पूर्व के भी वीडियो में हमने आपको दिखाया लखनऊ सिटी स्टेशन का हाल, जो बिल्डिंगें बन गई हैं ऑलरेडी, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसकी ही हम सही से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश सीतापुर जंक्शन से।